आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले जवाब देना। मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर अर्शेद, जवाब देना कहाँ है सलमान खान? पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? कल रात भर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए हैं और पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, MBBS पकोड़े, बीएड पकोड़े, बीएड पकोड़े। और वो प्रॉब्लम भी आप मुझे बोल ले दीजिए आराम से। बाबूजी देखिए, तो मतलब असल मुद्दों पर चर्चा ना हो, ये सोची समझी रणनीति है क्या? मीडिया में अक्सर न्यूज तो होती है, लेकिन अब के समय में न्यूज की जगह ज्यादातर हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में एंटरटेनमेंट दिखाई देता है। हमारी न्यूज भी तड़का लगाकर एक टीवी सीरियल की तरह पेश की जा रही है और मीडिया एंकर ये कहते दिखाई देते हैं कि जो आपको पसंद है आज वही टॉपिक पर बात करेंगे, और वो टॉपिक है सुशांत सिंह का। ये हम नहीं बल्कि सीनियर एंकर सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की खबर ही आपको दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आए। सुशांत को जस्टिस दिलाने की लड़ाई अब ड्रग्स के मुद्दे पर चली गई है और ड्रग्स के मुद्दे में धीरे धीरे सुशांत को जस्टिस दिलाने का मुद्दा गायब होता जा रहा है। आपने अर्नब को, उद्धव ठाकरे, संजय रावत को धमकी देते तो देखा ही होगा कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं, 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी, है हिम्मत, है हिम्मत। अब वे अपने आप को जिसका सबसे बड़ा फैन कहते थे उनको ही धमकी दे रहे हैं और ये सब सिर्फ TRP के लिए। इस बार अर्नब ने सलमान खान को भी धमकी दी है। पहले आप देखिए, अर्नब सलमान के सामने उनकी तारीफ करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा फैन बता रहे थे। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकम गिविंग मी टाइम, फ्रैंकली स्पीकिंग, ईच टाइम स्पीकिंग टू यू इज एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू, आई एम अ टोटल फैन। थैंक यू, एंड मी टू नाउ। You've been bajaing a lot of people, I see. Bajaing? Less than you're bajaing? No, no, I'm not bajaing, I get bajaos. You bajao 100 people at a time? Oh, that is, we need, that is the image, that the screen image, that's got nothing to do with me. When I bajao, I get bajao. That is Chulbul Pandey and there's Tiger and that's lovely thing. Salman Khan gets bajao. But you're having a fantastic ride. Yeah. And God has been very kind. You say, you're, every film of yours is a full house factor. अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें अर्नब सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कंगना और सुशांत के मुद्दे पर। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने? आपने नहीं बोलूंगा मैं, तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं, बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अंदर जी, आप क्या बात? बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर अर्शेद, कहाँ है सलमान खान? सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? अकेले सलमान ही नहीं, अर्नब इससे पहले भी बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जैसे कि शाहरुख खान के बारे में TRP के चक्कर में टिप्पणियां कर चुके हैं। Days after the notice, शाहरुख खान, wherever you are hiding tonight, because I'm sure you are, why don't you ask the BMC उद्धव ठाकरे, call him and say, why did you give me so much time? Or why did the government then give me so much time? Why did the BMC give me so much time? And why did you destroy Kangana's house? It's a small question. Now, if you're scared, Shah Rukh Khan, then don't pick up the phone. Sushant केस में मीडिया इतना सक्रिय रहता है कि मीडिया में ये खबर तक भी होती है कि रिया कितने बजे घर से निकली, कितने बजे CBI के पास पहुंची और कितनी देर तक वहां रही, क्या पहना था रिया ने, अब तो जेल में रिया क्या कर रही है, इसकी पल पल की खबर भी सीनियर पत्रकार रजित शर्मा बता रहे हैं। भाईखला जेल के क्वारंटीन बैरक में रिया कल रात भर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। रात 12 बजे के बाद
रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। रिया ने सिर्फ एक रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया। जेल के जिस कमरे में रिया है वो 15x10 फीट का क्वारंटीन बैरक है। अगर ये पत्रकार बेरोजगारी किसानों की बात करते तो शायद जनता को बहुत खुशी होती। खैर, अगर मीडिया नहीं ऐसे मुद्दे दिखा सकता तो सोशल मीडिया तो युवाओं और बेरोजगारों की आवाज बन ही रहा है। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था और हमारे मीडिया ने ये जन्मदिन कुछ इस तरह मनाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए हैं और पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, हैप्पी बर्थडे मोदी। तो पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और देश दुनिया से उनके चाहने वाले उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। गुजरात के एक छोटे से गाँव से निकलकर पीएम मोदी आज सत्ता के शिखर पर है। इसके लिए उन्होंने खुद को कर्म की भट्टी में तपाया है। उन्होंने एक सीख दी है पूरी दुनिया को कि अगर आप हौसले के साथ डट कर मेहनत करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी के करोड़ों मुरीद हैं। हर क्षेत्र में अपने अंदाज से उन्होंने लोगों को दीवाना बना लिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं, जो अनहोनी को होनी में बदल देते हैं, एक गेम चेंजर प्रधानमंत्री, जो अपने साहसिक फैसलों से अक्सर चौंकाते रहते हैं, जो देश हित में कड़े निर्णय लेने से भी नहीं हिचकते हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही साहसी स्वभाव के हैं। गुजरात के वडनगर में चाय बेचने से लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया है, लेकिन उनकी डिक्शनरी में परिवारवाद या भाई भतीजावाद का कोई शब्द नजर नहीं आता है। पर वहीं दूसरी ओर हमारे देश के बेरोजगार जनता ने इसे अनएम्प्लॉयमेंट डे करके मनाया। इस दिन ट्विटर पर हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे पहले नंबर पर ही ट्रेंड करता रहा। स्टूडेंट्स ने मोदी जी की बात मानकर पकोड़े बनाकर भी मोदी जी का जन्मदिन मनाया। MBBS पकोड़े, बीएड पकोड़े, बीएड पकोड़े, LLB पकोड़े, LLB पकोड़े, MBA पकोड़े, MBA पकोड़े, LLM पकोड़े, चाय 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 बीएड चाय। भैया साइड हो जाओ। पांच रुपए पांच। देश को मजबूत करने के लिए तुमने वाली चाय 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 तुमने वाली चाय 20 करोड़। क्या मोदी जी इन स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि वे दूसरों को थैंक यू मैसेज भेजने में बिजी थे। लेकिन हो सकता है भेज भी दें, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। खैर, इसके अलावा मीडिया की डिबेट में पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ मनोरंजन भी मिल ही जाता है। आज तक पर कंगना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में शुरुआत तो कंगना से होती है, पर बीच में नॉटी भी शुरू हो जाता है। तो क्या उनको पाकिस्तान भेज जाना चाहिए, ये प्रश्न है मेरा। अच्छा, माइनॉरिटी कमीशन वाला भी सवाल अब अगर आप तिवारी जी से पूछ लीजिएगा तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना। तिवारी जी से तो ये पूछने दीजिए कि तिवारी जी ने, तिवारी जी स्वीट आदमी है, वो सब बोल सकते हैं। अर्चना अंजना तो मैं जरा मेरा फ्लो सुधार लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि सारी इंटरनेशनल मीडिया चाइना के एग्रेसर पर बात कर रही है और आप हल्ला बोल जो भारत की गंभीर समस्या पे चलता है उस पर कंगना लेके बैठी है। तिवारी जी बताएंगे कि 5 बजे इस पर बहस करो, 6 पर ये बहस करो, फिर किशोर तिवारी जी लिख के भेजेंगे 7 बजे बुलेटिन में पहली स्टोरी ये जाएगी, फिर ये जाएगी, और ऐसा नहीं किया तो ये क्या चलेगा? अंजना नहीं बोलेगी। बाबूजी, आपका इग्निशन प्रॉब्लम भी है और फ्लो प्रॉब्लम भी है, आप मुझे बोलने दीजिए आराम से। बाबूजी देखिए, मैंने आपका बड़ा सम्मान किया है। कंगना पर जब संजय रावत ने एक अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर मीडिया में बवाल मचा दिया। इतना ही नहीं, कंगना ने भी संजय रावत की आलोचना की। पर कंगना खुद जब किसी के बारे में कुछ बोलती हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाता है और मीडिया अब बिल्कुल खामोश है। टाइम्स नाउ को दिए अपने इंटरव्यू में कंगना ने सीनियर एक्टर उर्मिला मातोंडकर के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, लेकिन उन्हें एंकर ने टोका तक नहीं। प्ले विद माई लाइफ और टू गेट माई प्रॉपर्टी रुइंड, इवन उर्मिला मातोंडकर, शी इज अ सॉफ्ट पोर्न स्टार, सो आई नो इट्स वेरी ब्लेटेंट, बट नो आई वांट टू आस्क यू, शी इज नॉट नोन फॉर हर एक्टिंग फॉर श्योर, व्हाट इज शी नोन फॉर? For doing soft pawns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? वहीं एंकर संदीप चौधरी तो अक्सर सरकार से सवाल करते ही हैं। अब वे मीडिया की कवरेज को लेकर भी आलोचना करते दिखाई दिए। इसके साथ ही आशुतोष ने भी मीडिया पर टिप्पणी की
और कुछ वो सवाल भी उठाए जो शायद कई लोगों के मन में थे। और जब मैं तीन किरदारों की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज राजनीति कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं। मुद्दा इनके पास अर्थव्यवस्था क्यों रसातल में गई इसका जवाब नहीं है। चीन भारत की सीमा में क्यों घुसा है इसका जवाब नहीं है। भारत में कोरोना 1,00,000 प्रतिदिन हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं है। तो आपके मुद्दे क्या है? क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कंगना रनौत का कुछ घर का एक टुकड़ा टूट गया? इस देश के अंदर हजारों लाखों गरीबों के झोपड़े टूटते हैं, तब ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता अपने घरों के अंदर क्यों घुसे रहते हैं? क्यों महाराष्ट्र के राज्यपाल अपने घरों के अंदर घुसे रहते हैं? क्यों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद नहीं आता कि गरीब का झोपड़ा तोड़ा गया है? तो मतलब असल मुद्दों पर चर्चा ना हो, ये सोची समझी रणनीति है क्या? और उसमें हम मीडिया वाले, हम भी उसमें शामिल हैं। खैर, अब मीडिया के बारे में हम तो क्या टिप्पणी करें। मीडिया को आप लोग न्यूज की तरह ना तो एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना शुरू कर दीजिए, शायद आपको भी एक अलग नजरिया देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।